बहुत ही अच्छा है, महिलाएं उत्थान कर रही हैं, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। आज हमेशा ही महिलाओं के उत्थान के लिए काम करता आया है और ये बहुत ही अच्छा लगता है हमें, वी फील वेरी प्राउड, थैंक यू। महिलाओं को सामने जो कार्य, जो आदमी लोग हैं उनके तो कार्य जो होते हैं सब सामने आते हैं, उनकी प्रशंसा पैसे से सबसे होती है, लेडीज़ को भी सपोर्ट करना चाहिए, तो उसी मुहिम से जुड़ के हम लोग ये काम कर रहे हैं। देश की महिलाओं के लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी, आज जैसे और भी काम करें और सब लोगों को अपने साथ इकट्ठे करके तो बाकी संस्थाएं भी खोलें साथ में। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के जो कदम हैं इतने पॉजिटिव कदम है और इतने कम समय के अंदर इतना कुछ अचीव किया है, ये एक आसान काम नहीं है। स्लोगन तो बहुत लोग देते हैं और लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। आज एक ऐसी संस्था है जितने इतने कम समय में इतना ऊंचाइयों को छुआ है, हर एक दो महीने में सशक्तिकरण के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर प्रोग्राम देते हैं और बहुत पॉजिटिव प्रोग्राम होता है हमेशा, एक कुछ मैसेज दे के जाता है। सशक्तिकरण का आजकल नारा हर एक किसी ने दिया हुआ है, लेकिन इस नारे को जो स्वरूप दिया हुआ है और जो सच्चाई उसके पीछे जो उजागर करी है वो आस ने करी है। मैं आस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, इसी तरह तरक्की से काम करते रहें, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। आज संस्था महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी आंदोलन के हिसाब से काम कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है कि महिला खाली एक हाउसवाइफ नहीं रह करके, जैसे कि हरियाणा में यूट्यूब मिस वर्ल्ड बनी है, इस टाइप से हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप खाली महिला नहीं हो, कोई लड़की नहीं हो, आपके अंदर बहुत शक्ति है, अपनी शक्तियों को उजागर करो। और देश में एक ये नहीं कि हम खाली लड़की होने का हमें बोध नहीं होना चाहिए, हम लड़का बन करके इसके काम उसके ऊपर काम करेंगे। तो हम काफ़ी सारी संस्थाओं को एक गोष्ठी करते हैं, उसमें महिलाओं को बताते हैं कि आप अपने शक्ति को पहचानो, द्रौपदी बनो, माँ दुर्गा बनो, माँ सरस्वती बनो और देश का उद्धार करो। पिछले 2005 से अपने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। तो पहला तो हमने उसके अंदर हाउसवाइफ अवार्ड कराया, जिसमें कि घरों में जो बैठी हुई महिलाएं हैं जिनको आज कोई भी कहता है कि कुछ नहीं कर रही, तो वो महिलाएं बहुत कुछ करती है। यही चीज़ उजागर करने के लिए हमने उनको स्टेडियम में रैंप वॉक वगैरह भी करवाए और उनका आगे मार्गदर्शन भी करा। महिला सशक्तिकरण के लिए दुनिया लगी हुई है, हम अपना छोटा सा प्रयास करते हैं। पीछे हमने सर्वाइकल कैंसर पे भी काफ़ी अवेयरनेस के प्रोग्राम करे, जिससे कि महिलाओं को ये पता लगे कि भाई ये बीमारी क्योरेबल है, और इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं हम टाइम टू टाइम।